तुम्हारे को मजे दिलाने के लिए हम इतने मजे कर रहे हैं, ठीक है? नाइस। मेरी पैंट भी पड़ जाएगी। उसमें घुस गई, मर गई बेचारी, मर गई। अभी हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी है स्केटिंग। सबसे पहले क्यों स्केटिंग क्या होती है फिर? तो ये क्या, ये स्कीन? सबसे पहले करेंगे अंकित और रूपाली। चलो भाई करके दिखाओ क्या। हाँ सबसे डेंजर है, बस हाथ नीचे नहीं लगाने, ठीक है? अंकित हाथ नहीं, अंकित हाथ नहीं नीचे। कोई आ रहा है क्या? ये ना जूते थोड़े से ना आगे से लोहे के हैं और छोटे हैं, उंगलियां ऐसी होगी थी। चलो अब मेरी बारी, और सोमू तो रेडी हो चुकी है। बस 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 सही जा रही है सोमू, बढ़िया भाई। ये तो उखाड़ देगा ये तो यार। तेरे तो पीठ आएगा, मैं तो अंगूठा टकरा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, ओए ओए हेलो टांगे ना बोल दियो। टांगे तुड़वाने के लिए वो अनलिमिटेड, और जिसमें स्वाद आ रहा था वो एक ही बारी। यार बंदे कैसे करते हैं ये बड़ी स्पीड में? अच्छा आप चल के आ रहे हो वहां से ऊपर को नहीं होती? ऊपर को नहीं होती भैया। अच्छा ये होते नीचे कोई, तो यहां सुनो पर इतना परफेक्ट बन रहा है क्या? जाएगा ऊपर से ऊपर टॉप। अच्छा कैसे पहले इसको ऐसे पुश करना है, इसको ऐसे पुश करना है। संघर्ष देख रहे हो गाइस, आ जाओ। भाई इन्हें नहीं लगती बिल्कुल भी ठंड। बर्फ पड़ेगी उसके बाद उनको गाड़ी में लेके ले जाएंगे उनको। क्यों? बर्फ ज्यादा होती है ना, डूब जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अच्छा अच्छा ये सुविधा कुछ नहीं रहेगी। ओके ओके, ये किसी के पालतू नहीं है? नहीं नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा उनको गाड़ी में लोड करके जहाँ बर्फ कम पड़ती है वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ छोड़ देंगे? ठीक 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 ठीक। ये स्ट्रीट डॉग्स हैं एक तरह से यहाँ के।
और इन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही भाई। बात है, एक ने तो बच्चे दिए थे, सात सात बच्चे दिए थे। अच्छा, उसके बच्चे भी उठा के उसको उठा के आगे छोड़ दिया। बर्फ ज्यादा पड़ती नहीं, आप ये दब जाता है पूरा सिस्टम। कुत्ते तो क्या कर चीज है, दब जाएंगे। ये भी दब जाते हैं ये घर? सारे दब जाते हैं जो भी है। तभी तो इतने छोटे छोटे मकान बनाए थे। ओ तेरी, ऊपर से ग्लेशियर आता है, ये पत्थर सारे ग्लेशियर का है। अच्छा, ऊपर देखो नाला कैसे जमा है। हाँ हाँ हाँ, वो जो वहाँ पे। वैसे हमारे लिए बेशक ये मस्ती है, पर यहाँ की लाइफ तो बहुत हार्ड है वैसे देखी जाए तो। एक बार एक लेडीज ने, लड़की थी, शादी नहीं हुई, इसने ये पत्थर नहीं है हाँ। यहाँ से स्लाइड मार दिया और नीचे पानी का वो था ना होल, उसमें घुस गई, मर गई बेचारी। मर गई, चार घंटे का वाला था उसको। और क्यों मारी डाई? कोई एक्टिविटी कर रही थी? नहीं नहीं, खुद स्लाइड की ना। अच्छा अच्छा अच्छा, होल था, पानी डाले सिग्नल लेने। ओके, वो उसके अंदर घुस गई। ठीक ठीक ठीक, जैसे तू मजे ले रही थी ऐसे। 8-9 इंच फुट बर्फ थी, बर्फ थी और उसके नीचे पानी, पानी और उसके बीच में घुस गई, घुस गई। ओ तेरी, बहुत भी ऐसा सीन होगा। यहां भी एक ग्लेशियर आता ना, हां हां, बंदा पेशाब करने के चक्कर में गया, ऑफिस में बर्फ थी ना, हां हां। ये बहुत वैसे रिस्की है क्योंकि ना नीचे कहां पानी है कुछ नहीं पता लगेगा। तो जिंदा था कि मर गया? वो भी मर गया। हां भैया, 5-10 मिनट रहो पानी के अंदर करा। 10 मिनट भाई, ये 1 मिनट इनफ है मारने के लिए। यहाँ की बर्फ यहाँ मानते नहीं ना हम, तो बोलते हैं यहाँ मत जाओ। इधर नहीं नहीं, जैसे ना डेंजर है, हम बोलते वहाँ मत जाओ। बंदे बोलते हमने पैसा दिया भाई, हम जहाँ मर्जी जाए यार। सारे 2-4-5 हज़ार में मौत का खेल, ये सही नहीं ना। और देख ऐसी जगहों पे क्या पता कहाँ पे पानी है, ऊपर में बर्फ तो नहीं है ना, जब बर्फ होती है तो पता नहीं लगता है कि कितना गहरा है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ से गिर जाएगा एकदम से, कुछ कुछ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच भैया, मजा आ गया यार, आपने मौज करा दी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमने सारी एक्टिविटीज की। ये एरिया पता कौन सा है? ये है लाहौल। मस्ती मस्तियों में हम लाहौल पहुंच गए, हमें पता ही नहीं लगा। हाँ ये लाहौल है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति सुना है ना? स्पीति वैली, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति जो होती है। हम राइट नाउ हम लाहौल में है और स्पीति यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। देख ले हम लाहौल आ गए, हमें यही नहीं पता। चलो अब जल्दी घर निकलते हैं यार। देख जमने लग गया, जैसे उन्होंने कहा था पानी जमने शुरू। ये देखो सही बात है, ये पानी जमने लग गया। मेरा भी यार, सुबह से घूम घूम के हम थक चुके हैं, अब बारी आ गई है थोड़ा पेट पूजा की। स्वाद स्वर्ग में बैठ के स्प्रिंग रोल एंड मोमोज का स्वाद खाओ खाओ खाओ। क्या ये? सॉरी, मैगी एंड मोमोज। चल भाई मोमोज खाओ जल्दी। नाइस, कैसा लग रहा है? असली मजा किसमें है? असली मजा है अंदर मैगी डालकर। वाओ, कुछ भी कर रहे हैं, बढ़िया है। नहीं ये भी डाल। नहीं मिर्च ज्यादा नहीं हो रही, मैंने खाया मस्त आ रहा। तो गाइस अब क्यों ना मुझे भी टेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, है ना? सो वाओ, ऐसे व्यू के साथ Amazon से पार्सल है मैगी प्लस मोमोज। मामू भी रहना थे, बात ही अलग है। मैं अपने भाई को भेजता हूँ। और ऐसी पत्नी, ओके ओके, फिर तो बात ही अलग है। ये मेरे लिए कुछ लेके आया है, अपनी भाभी के लिए लेके आया है। शिट्जो, क्या लाया भाई? सिड्डू, 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 सिड्डू। चलिए जरा इधर सिड्डू। ओए ये क्या है? सिड्डू, पता नहीं कीड़ा टिड्डू पिड्डू, पता नहीं क्या कर रहा है। पेट पकड़ा दिया है अनुपम, मैं कुछ खा के रखा पता नहीं क्या है। सिड्डू है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्टीम करके बनता है। अरे सिड्डू मीठा है पूरा, सिड्डू और ऊपर से मीठा। और ये आइडिया किसे आया? कितना आरामी बंदा है यार ये। चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ है क्या ये आइटम। सो अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, सबकी पेट पूजा भी होगी और वो अजीब सी डिश भी खा ली। सिड्डू अजीब सी, मतलब कि हमने पहली बार देखी थी। कहते कि हिमाचल की डिश है, तो हमने वो भी टेस्ट कर ली। अब डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से। सच बताया, वो सच में हिमाचल की डिश थी। हाँ तो बढ़िया हो गया, मजे भी पूरे किए, सबको मजा आया भाई। यस यस, पूरा फन हो गया आज। चलो बढ़िया हो गया। अब ऐसा हो गया कि अब स्नो में जाने का मन नहीं। नहीं नहीं भाई, अब कुछ टाइम तक तो मैं बर्फ में नहीं जाऊंगा। ये बर्फीले पहाड़ भी अब देखे नहीं जा रहे मुझसे। मैं तो अब बर्फ वाली कुल्फी भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा बस भाई, अभी बर्फ से थोड़े दिन के लिए।
कान को हाथ लगाए। क्या चीज है ना देखिए, जो ये बर्फ, ये रेते जैसा बर्फ है, ये एक्चुअल में पानी है। पानी है भाई, और पानी जम जाता है तो बंदे को दिक्कत देने ले आता है। सही बात है। देखिए नीचे नदी, ये नदी क्यों नहीं जम रही, ये फ्लो कर रहा है इसलिए नहीं जम रहा। मतलब उतना टेम्परेचर हुआ नहीं कि इतनी यार, वो ऊपर जितना खड़े में पानी, खड़े में पानी को कर देगा। क्या वो जो नालियों में पानी बह रहा है उनके ऊपर कांच जमने लग गया। हाँ, ऊपर ऊपर। अच्छा, नीचे से तो बह रहा है और ऊपर ऊपर कांच जमने लग गया। जहाँ पे हम रुके थे वो उसके अंदर से पानी नहीं जा रहा था, देखा नहीं था तुमने? समझ गया। और उससे पहले वो देख, वो पीछे अपना सिलेंडर लेकर आए हुए थे और पकौड़े बना रहे थे। हमने जिनसे ये कपड़े लिए थे ना, उनसे हमारी डील हुई थी कि जाते हुए कपड़े रिटर्न कर देना यार, और प्लस उनकी पेमेंट भी दे देना। उन्होंने हम पे भरोसा करके हमें दे दी ये चीज। तो बहुत लेट हो चुके हैं, वो भी जा चुके हैं, उनकी शॉप यहीं गई थी, वो मनाली पहुंच चुके हैं। अब उन्हें मनाली में देंगे। मनाली नहीं, वो कौन सा सोलांग वैली उनका गांव है, तो कहते हैं हमारे को वहां दे देना। बहुत ही अच्छे थे यार, कोई हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, प्लस सिक्योरिटी नहीं ली। आगे चले सारे कपड़े भी हमारे पास है उनके, और जूते भी हमारे पास है उनके, और उनके जो फीस बनी है वो भी हमने नहीं दी। तो सब कुछ उन्होंने बिना किसी चीज के हमें दे दिया। और ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं रहे थे, उन्होंने खुद ही बोला आप आते हुए दे देना। दिल के अच्छे थे। बट यार ये चीज दूसरों के मन में लालच पैदा कर सकता है। हमारी जगह अगर कोई और होता तो वो अपने पैसे बचा ले, जितने की भी हमारे को ये जितने का भी रेंट पड़ा है वो बचा देगा, और ये कपड़े कपड़े रस्ते में फेंक देगा कहीं, या किसी को बेच देगा, या किसी को बेच देगा, कुछ भी कर देगा, क्योंकि लालच आ जाएगा ना कि कम से कम अपने रेंट के पैसे तो बचाओ। सही बात है। तो एटलीस्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वो लेनी चाहिए हमेशा किसी से भी हो। तो चलो सबसे पहले हम आंटी के पास चलते हैं, उनके गांव, फिर घर चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, और मजे भी यार, मजे करने यार। तुम्हारे को मजे दिलाने के लिए हम इतने मजे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें मजे आए। हमें मजे तो आ ही रहे हैं, पर हम कर इसलिए रहे हैं ताकि तुम्हें मजे आए। सो हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं और आज बहुत मजा आया, बहुत, मतलब इतनी बर्फ और राइडिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज, काफी फन था, मजा आ गया। हाई, तेरे को मजा आया? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मुझसे ज्यादा मजा किसी को नहीं आया होगा। किसी को भी नहीं आया? चलो अब हम भी डिनर वगैरह करके फिर सो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक गए यार।